बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर स्वैप फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने कल्चर टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स एक्सप्लेन किया है, जैसे कि यूरिन कल्चर, थ्रोट कल्चर, इसके अलावा हमने एक्सप्लेन किया है पस कल्चर, ब्लड कल्चर, प्लूलर कल्चर, स्पूटम कल्चर, तो काफ़ी कल्चर से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने देखने तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कल्चर टेस्ट का एक प्लेलिस्ट होगा, तो उसमें आपको तमाम तर कल्चर टेस्ट से रिलेटेड तमाम तर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी कल्चर से रिलेटेड है और इस टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे एयर स्वैप फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो मेन कंटेंट है, मतलब इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एयर और एयर स्वैप सीएस ये क्या है, इंट्रोडक्शन सिंपली हम पढ़ेंगे, फिर डायग्नोस्टिक पर्पस हम पढ़ेंगे, फिर मीडिया जो एयर स्वैप के लिए यूज़ होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर रिक्वायरमेंट प्रोसीजर के हवाले से पढ़ेंगे, फिर हम जो कॉमन बैक्टीरिया इससे आइसोलेट होते हैं एयर से तो उसके हवाले से हम पढ़ेंगे, फिर एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग हम देखेंगे, फिर हम बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और प्रिकॉशन लिमिटेशन देखेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि एयर, डियर व्यूअर्स, एयर आपके पास एक ऑर्गन होता है जिसको सुनने और बैलेंस रखने की सलाहियत होती है। ठीक है, ये मतलब ज़्यादातर सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिसको आम जुबान में कान भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, एयर के आपके पास मोस्टली थ्री पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं आउटर एयर, जो कि ज़्यादातर साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। दूसरे को हम कहते हैं मिडल एयर, जो कि साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है मतलब वाइब्रेशन में, यानी उसको सेंड करता है वाइब्रेशन, और फिर इसी तरीके से एयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, और फिर वो आपके पास नेक्स्ट इनर एयर में चला जाता है, और फिर वो कन्वर्ट होता है वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में, फिर वो सिग्नल ब्रेन की तरफ जाता है। ठीक है ना, और इसी तरीके से फिर हम जो भी आवाज़ होता है यानी साउंड होता है वो फिर हम सुनते हैं। ठीक है, दिस इज़ द मैकेनिज़म, ये कुछ इस तरीके से मैकेनिज़म्स होता है। ठीक है ना, अब एयर स्वैप फॉर सीएस क्या है, तो जब कभी कान में कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना, जैसे कि एयर पिन्ना हो गया, इंटरनल या मिडल या आउटर एयर जो हो गया, इसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो, और वहाँ पर हम स्वाब, मतलब स्वाब से उस एरिया में हम सैंपल लेते हैं। ठीक है, और फिर इस मकसद के लिए था कि बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सके जिसने इन्फेक्शन कॉज किया है, और साथ में फिर हम ख़ास किस्म का एंटीबायोटिक जो है उसका भी फिर पता लगाते हैं। तो दिस होल प्रोसेस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज एयर स्वैप फॉर सीएस। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अगर डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, तो ये आपके पास एयर है, ये आपके पास एयर का एनाटॉमी है। ठीक है ना डियर व्यूअर्स, अच्छा ये जो है ये पिन्ना है। ठीक है ना, इसको पिन्ना कहते हैं, आउटर एयर पोर्शन में होता है, और इस आउटर एयर में आपके पास टेम्पोरल बोन भी होता है। ठीक है, ये जो एक पाइप सा होता है जिसको कहते हैं एयर कैनाल, ये तीन जो एरिया है ये एयर आउटर एयर में आता है। नेक्स्ट हमारे पास है मिडल एयर, तो मिडल एयर में आपके पास होते हैं मिलेस, ये आपके पास स्टेपेस होता है, और एयर ड्रम होता है। ठीक है ना, आवाज़ साउंड वेव जब यहाँ से आता है ना, तो ये वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस एयर ड्रम को वाइब्रेट करता है, फिर ये जाता है इनर एयर में, तो इनर एयर में आपके पास होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, वेस्टिबुलर नर्व्स होते हैं, ऑडिटरी नर्व्स होते हैं। ठीक है ना, और फिर इसके साथ साथ आपके पास होता है एस्ट्रियो चेन ट्यूब्स भी होते हैं, ये एस्ट्रियो चेन ट्यूब जो है ये नाक से आपके पास फिर इनर एयर में चला जाते हैं, कुछ इस तरह का ट्यूब्स होता है। ठीक है ना, तो ये था आपके पास एयर का एक डायग्राम, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द रियल एयर। ठीक है ना, अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम ये पढ़ते हैं कि ये एयर स्वैप फॉर सीएस हम क्यों करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, इस टेस्ट को करने का मकसद ये होता है ताकि इन्फेक्शन का पता लगाया जाए या पैथोजेंस का पता लगाया जाए। ठीक है, इसके अलावा इस टेस्ट को करने का मकसद ये भी होता है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, रेजिस्टेंस और इंटरमीडिएट का पता चल जाए। ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है
ताकि ये पता लगाया जाए कि कौन सा एंटीबायोटिक इफेक्टिव है अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया आपके पास आइसोलेट हुआ है तो उस बैक्टीरिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक इफेक्टिव है। साथ में ये टेस्ट इसलिए भी किया जाता है ताकि ट्रीटमेंट का पता लगाया जाए कि जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं आया वो एंटीबायोटिक अपना काम कर रहा है या नहीं। अब हम जिक्र करते हैं आइसोलेटेड बैक्टीरिया। तो इसमें जो आपके पास कॉमन बैक्टीरिया आइसोलेट होता है वो है सुडोमोनास एरिजिनोसा 25 से 40%। अब सवाल ये कि ये क्यों आइसोलेट होता है, और ये डियर व्यूअर्स आपके पास ज़्यादा इसलिए आइसोलेट होता है एयर स्वाब में क्योंकि ये ज़्यादातर मॉइस्ट, आपको पता है कि आपके एयर में जब ये एयर ज़्यादातर इन्वायरमेंट के लिए एक्सपोज होता है पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि वो लोग जो कि नहाते हैं स्विमिंग करते हैं और उनके कान में अगर पानी चला जाता है तो उस वक्त जो है फिर सुडोमोनास इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं या एयर वेक्स ब्लॉकेज की वजह से भी सुडोमोनास एरिजिनोसा आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस जो है ये 20 से 30% आइसोलेट होता है और आपको पता है कि स्टेफ आरियस जो है ये क्या है, ये नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन है। अगर स्किन इन्फेक्शन हो जाए या स्किन मतलब ट्रामा हो जाए, ठीक है ना, तो फिर वहाँ से स्टेफ आरियस आपके इंटरनल एयर में आपके एयर में इंटर हो जाता है और फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हेमोफेलस इन्फ्लुएंजा। 15 से 25% इसका आइसोलेशन के चांसेस है और ये ज़्यादातर बच्चों में आइसोलेट होता है, मिडल एयर को ये इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा जो है हमारे पास मोरक्जेला के थ्रेलस जो है ये आपके पास डियर व्यूअर्स ज़्यादातर ओटाइटस और सैनेटसाइटस अगर हो तो तब एयर में फिर मोरक्जेला के थ्रेलस आ सकते हैं और ये 10 से 20% आइसोलेट होता है। इसके अलावा हमारे पास है प्रोटियस मेरबेलस, ये 5 से 15% आइसोलेट होता है। और डियर व्यूअर्स प्रोटियस मेरबेलस जो है ये असल में आपके पास यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करता है और इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन से फिर ये आपके पास एयर में जाता है, लेकिन एयर में ये जो है एस्ट्रोजन ट्यूब जो है वहाँ से ट्रांसफ़र होकर एयर में जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो है ये भी आपके पास 1 से 3% आता है और ड्यूरिंग निमोनिया इन्फेक्शन के केस में फिर आपके पास ये आ सकता है एयर में, फिर ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्लेप्सिला निमोनिया। क्लेप्सिला निमोनिया जो है ये आपके पास रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से फिर आपके पास एयर में ये मतलब क्लेप्सिला सर्कुलेट होकर आपके पास फिर एयर में चला जाता है, वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। इकुले आपको पता है ये भी यूटीआई इन्फेक्शन कॉज करता है और यूटीआई इन्फेक्शन से फिर ये आपके पास एयर में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, कोकस निमोनिया और क्लेप्सिला निमोनिया होता है ना, तो ये चूंकि आपके पास निमोनिया के केस में आता है तो इस वजह से ये आपके पास एयर इन्फेक्शन में भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है ना, इकुले भी बहुत कम आइसोलेट होता है, यूटीआई ज़्यादातर कॉज करता है, लेकिन कभी कभी एयर इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कल्चर मीडिया। टू डियर व्यूवर्स, अगर आपने इसको एयर स्वाब स्ट्रीक करना है तो आपने ब्लड एगर का इस्तेमाल करना है जिस पर आपके पास सुडोमोनास, स्टेफ आरियस, तमाम तर जो बैक्टीरिया जो कि अभी हमने जिक्र किया वो सारा ब्लड एगर पर ग्रो होगा। ना सिर्फ ब्लड एगर पर ग्रो होगा बल्कि आपको ये एक मतलब ये भी बताएगा कि ये कौन सा हेमोलिसिस पैटर्न भी बताता है साथ में। मेकॉन की अगर पर सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव रॉड्स ग्रो करेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और लैक्टोज फर्मेंटेड और नॉन लैक्टोज फर्मेंटेड, जैसे कि आपके पास इकुलाय आ गया, सुडोमोनास आ गया, क्लेप्सिला आ गया, ठीक है ना, तो ये बैक्टीरिया इस पर बड़े आसानी से ग्रो होते हैं। चॉकलेट अगर आपने यूज़ करना है जिस पर ज़्यादातर जो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोरक्सिला कैथरेलस हो गया, ठीक है ना, हेमोफेलस इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ये आपके पास फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है। मिनोथोल सॉल्ट अगर ज़्यादातर स्टेफारियस के लिए यूज़ किया जाता है, सिट्रामाइड मीडिया सुडोमोनास के लिए यूज़ किया जाता है। चूँकि स्टेफारियस और सुडोमोनास इसमें ज़्यादा कॉमन है तो इस वजह से आपने ये दो मीडिया तो कॉमन ज़्यादा यूज़ करना है, एमएसए और सिट्रामाइड मीडिया। ठीक है, बाकी ब्लड एगर में कौन की अगर ये भी आपने यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जिक्र करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर कोई बैक्टीरिया आ गया तो आपने इसको बायोकेमिकल, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि अगर इन मीडिया पर आपने स्ट्रिक कर लिया तो आपको थोड़ा बहुत बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर अब भी आपको बैक्टीरिया का पता नहीं चलता तो फिर आपने ग्राम स्टेनिंग करना है। ग्राम स्टेनिंग से आपको पता चल जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। फिर आपने क्या करना है, वुगास प्रिकर्सर, अगर ग्राम नेगेटिव है तो आपने वुगास प्रिकर्सर टेस्ट करना है क्लेप्सिला के लिए, एंडोल टेस्ट करना है इकुलाई के लिए, आपने करने कोगुलेस, कैटेलेस और डीएनएस, ये करने हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आता है, स्टेफ आरियस आता है। ठीक है, तो उन बैक्टीरिया के लिए आपने करना है। इसके अलावा जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सुडोमोनास के लिए ये किया जाता है,
यूरिया टेस्ट प्रोटीएस के लिए किया जाता है, एपीआई टेस्टिंग ये तमाम तर जीएनआर के लिए किए जाते हैं। तो ये थे आपके पास बायोकेमिकल टेस्ट। अच्छा डियर व्यूवर्स, मैं ऑलरेडी कल्चर मीडिया ये जो अभी हमने जिक्र किया और बायोकेमिकल टेस्ट इस पर मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ। अगर आपने ये देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर इसका लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ पर जाए तो आपको ये तमाम तर लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ये रिक्वायरमेंट, ये टेस्ट अगर आपने लगाना है तो सबसे पहले आपको चाहिए इथेनॉल, जिससे आप वर्किंग एरिया साफ़ करोगे। इसके अलावा आपको चाहिए वायर लूप, जिससे आप स्ट्रीकिंग करोगे। इसके अलावा आपको चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिससे आप खुद को इन्फेक्शन से बचाओगे। इसके अलावा आपको चाहिए स्पिरिट लैम्प, जिससे आप वायर लूप को रेड हॉट करके स्ट्रीकिंग करोगे। इसके अलावा आपको चाहिए कल्चर मीडिया, जिस पर आप अपने बैक्टीरिया को ग्रो करोगे। इसके अलावा आपको चाहिए इंक्यूबेटर, जिसमें आप प्लेट को इंक्यूबेट करोगे 37 डिग्री सेल्सियस पर, जिसकी वजह से फिर ग्रोथ आता है बैक्टीरिया का। आपको चाहिए एलएफएच, जिसमें आप स्ट्रीकिंग प्रोसेस करते हो, जो कि कंटेमिनेशन को, मतलब जिसमें कंटेमिनेशन नहीं होता। इसके अलावा आपको चाहिए ऑटोक्लेव, जिसमें आप अपना तमाम तर कल्चर मीडिया साथ में ग्लासवेयर, ये तमाम तर चीज़ें आपने ऑटोक्लेव करना है। इसके अलावा आपको चाहिए ये एंटीबायोटिक डिस्क है, जिससे आप सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंट और इंटरमीडिएट का पता लगाएंगे। साथ में आपको चाहिए स्वाब। तो डियर व्यूअर्स, ये जो स्वाब है ये इसलिए चाहिए क्योंकि इससे आप एयर में सैंपल कलेक्ट करो, मतलब जब एयर में कोई पस होगा या एयर से आप सैंपल कलेक्ट करोगे, सिंपली ये इसलिए चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर तरीके कर कुछ हुए कि सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉर्निंग टाइम पर आपने एक डिस्पोजेबल स्वाब लेना है और उसे आपने क्या करना है, सैंपल को कलेक्ट करना है। जैसे सैंपल आपके पास कलेक्ट होगा एयर स्वाब के जरिए, फिर आपने क्या करना है, वायर लूप उठाना है, उसको रेड हॉट करना है और जो कल्चर मीडिया मैंने जिक्र किया उन कल्चर मीडिया पर फिर आपने इस एयर स्वाब को क्या करना है, इसको आपने बेस बनाकर फिर वायर लूप से आपने स्ट्रीक करना है। ठीक है, ये स्वाब से बेस बनाना है और फिर वायर लूप से आपने स्ट्रीक करना है। इसके बाद फिर आपने प्लेट को 24 से 48 घंटों के लिए इंक्यूबेट करना है ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ आ जाए। जैसे ही बैक्टीरिया का ग्रोथ आ गया फिर आपने इसको मतलब इस पर बायोकेमिकल टेस्ट और आपने क्या करना है, ग्राम स्टेनिंग करना है ताकि बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे ही बैक्टीरिया का पता चल जाए फिर आपने क्या करना है, एंटीबायोटिक डिस्क लगाना है। फिर आपने प्लेट को 24 से 48 घंटों के लिए इंक्यूबेट करना है ताकि इंटरमीडिएट रेजिस्टेंट और सेंसिटिविटी का पता चल जाए। और लास्ट में फिर आपने रिपोर्ट देना है। डियर व्यूवर्स, रिपोर्टिंग तकरीबन 24 घंटों के बाद भी होता है। अगर कोई ग्रोथ ना हो तो 24 घंटे बाद भी आप रिपोर्ट दे सकते हैं, 48 घंटे भी। अगर ग्रोथ आ जाती है तो फिर ये तकरीबन 3-4 दिन लेते हैं। ठीक है, उसमें आइडेंटिफिकेशन भी हो जाते हैं और एंटीबायोटिक का भी पता चल जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रोफाइलिंग का अगर हम जिक्र करें, अगर आपके पास लेट्स सपोज गुलायत है तो आपने लगाना है सिफ्टक्साइम, सिफ्ट्रक्सोन, इमेकासीन, टोसोबैक्टम, सल्जोन, इमेपेनम, मेरोपेनम, सिप्रोफ्लक्सोसिन, फास्फोमाइसिन और जेंटामाइसिन। इस तरह क्लेप्सिला के लिए इन एंटीबायोटिक डिस्क का आपने यूज़ करना है, स्टेफ आरएस के लिए ये एंटीबायोटिक डिस्क है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के लिए आपने एएमएल, एम्पेसलीन, लीवोफ्लक्सोसिन, मॉक्सीफ्लक्सोसिन, सिफोटैक्सिम, सिफ्ट्रक्सोन, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के लिए आपने एगमेंटिन, सिफ्ट्रक्सिम, सिफ्ट्रक्सोन, लीवोफ्लक्सोसिन, मॉक्सीफ्लक्सोसिन, सुडोमोनासिस एरिडोनोसा के लिए ये एंटीबायोटिक से, मोरक्सिला कैथरेलस के लिए ये एंटीबायोटिक से, जबकि प्रोटीएस के लिए आपने लगाना है सिप्रोफ्लक्सोसिन, लीवोफ्लक्सोसिन और टीएमपी, सीएमएक्स, मतलब ये सेप्ट्रॉन है। ठीक है, आपने लगाने एम्पेसलिन, टोसोबैक्टम और सल्जोन। तो इन एंटीबायोटिक का आप ये एंटीबायोटिक आप लगाएंगे तब जब ये बैक्टीरिया आपके पास आइसोलेट हो जाए। प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन आपने एहतियात कुछ यूँ करना है कि आपने सैंपल मॉर्निंग टाइम पर कलेक्ट करना होगा क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर इन्फेक्शन पीक पॉइंट पर होता है। इसके अलावा आपने डिस्पोजेबल एयर स्वाब का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको चाहिए कि वर्किंग एरिया को साफ करें बिफोर एंड आफ्टर। इसके अलावा आपको क्या, आपने सैंपल को 1-2 घंटे के अंदर अंदर कलेक्ट करना है और इसको स्ट्रीक करना है, अदरवाइज आपने इसको रेफ्रिजरेटर रख कर कल भी आप इसको स्ट्रीक कर सकते हैं। लेबलिंग करना नहायत ज़रूरी है। आपने क्वालिटी कंट्रोल लगाना है। क्वालिटी कंट्रोल से आपको यह पता चल जाएगा कि जो कल्चर मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। साथ में आपने क्या करना है, ग्राम स्टेनिंग, बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करना है जिससे बैक्टीरिया का पता चलता है। आपने एंटीबायोटिक जब कभी भी यूज़ करना है ना और उसके मेजरमेंट करेंगे ना तो आपने CLSI गाइडलाइन को फॉलो करके आपने उसको जोन को मेजर करके सेंसिटिव और रेजिस्टेंट और इंटरमीडिएट देना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, पेशेंट को गाइड करना है एक हफ्ते पहले कोई एंटीबायोटिक ना ले। ठीक है, ये आपने पेशेंट को बताना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर इसमें कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं दूसरे, जैसे कि फंजाई हो गया या स्टेफ आरियस तो आता है, इसके अलावा कोई और कंटेमिनेशन इसमें आ सकते हैं ना, कोई और बेसलस वगैरह आ सकते हैं, तो फिर आपने इसको कंटेमिनेशन समझ कर इग्नोर करना है। और आपने हाँ, साथ में पेशेंट का हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। पेशेंट के हिस्ट्री से, एज से, सेक्स से भी आपको पता चल जाएगा, CS में थोड़े से आसानी हो जाएगी। ठीक है,
लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन कुछ यू है कि जब कभी ये टेस्ट हम करते हैं ना, और इससे जब कभी हम सैंपल लेते हैं ना पेशेंट से, तो पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है, ठीक है ना, उसको तकलीफ़ होती है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि डियर व्यूवर्स, चूँकि स्किन आपके पास स्टेफारियस भी है इसमें, ठीक है ना, तो स्टेफारियस तो स्किन पर होता है। अब आपको इसमें ये मसला भी आएगा कि जब कभी आप स्टेफारियस आपके पास आइसोलेट हो गया, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि यह आपके पास नॉर्मल फ्लोरा है या पैथोजेनिक है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम इसमें यह आता है कि जब कभी पेशेंट एंटीबायोटिक्स लेता है ना और आप सीएस लगाते हो, तो आपके पास ग्रोथ नहीं आएगा, इसकी वजह से एक गलत नेगेटिव रिपोर्ट चला जाता है। इसके अलावा जो है ये टेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, 24 घंटे, 72 घंटे, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से रिपोर्टिंग लेट हो जाती है और उस दौरान पेशेंट को तकलीफ़ से गुजरता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेंसिव, ये जो मेथड होता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसमें काफ़ी ख़र्चा लगता है, जैसे कि बायोकेमिकल टेस्ट हो गए, इसके अलावा कल्चर मीडिया हो गया, ठीक है ना, तो काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट होता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, इसमें जब कभी हम ये टेस्ट करते हैं ना, तो इसमें जो स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। इसके अलावा जो है इसमें पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना भी एक चैलेंज होता है। इसके अलावा ये टेस्ट में कभी कभार ऐसे भी आता है कि इसमें फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, तो फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म के लिए ख़ास किस्म के टेस्ट करने पड़ते हैं, जिस जो कि ज़्यादातर लेबॉर्टरी में इग्नोर किया जाता है, और इसकी वजह से फिर नेगेटिव रिपोर्ट जेनरेट होता है। तो ये थे आपके पास लिमिटेशन। डियर व्यूवर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट एयर स्वैप फॉर सीएस। बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूवर्स वीडियो देखने का। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ मिल सके। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।